हाँ जी, तो भाई हो तो अभी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे पूरा शोर मच रहा था कि हम उसे वोट देंगे, ये अच्छा खेल रहा वो अच्छा नहीं खेल रहा, मल्टीपल टाइम वोट कर सकते हो। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस की। तो हम बिग बॉस के आज एक कंटेस्टेंट की बात करने वाले हैं जिसका नाम है मनीषा रानी। मनीषा रानी जो कि बिहार में बहुत पॉपुलर है। हाँ, बस फर्क इतना कि वो बेरोजगार हो और अपने बाप के पैसों पे पलने वाले लुंडों के बीच में। हमने सुना था कि बिग बॉस में करियर रिवाइव करना है लोग बाग, फिर मनीषा रानी क्यों आई? बहुत हो गया आपका नाटक। आप अपने आप को समझते क्या? हाँ, हम आपसे प्यार करते हैं, आप पे मरते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं, आप क्या करते हैं? इग्नोर। शादी के बाद तो आप हमको एकदम टाइम ही नहीं देने वाले हैं। मैं तो बैठ हो गया। अरे मनीषा, तू काफी देख रही फैलाने के लिए, इसे तू साथ ले आई? डियर थिंकिंग है, हम इसका तारीफ करने वाले हैं। अरे कितनी कमीनी छछुंदरी हरमजादी जो चड्डी पहन के घूम रही है, लाखने लग रहा है मन तो करे इतना मार के मुलाल कर देने पड़े बेसर लोग, लोगों कुछ कह नहीं सकते। अच्छा तो ये तुमने क्या पहन रखा? और हमको बहुत बिकनी पहनने का शौक था गाइस, तो थोड़ा हम स्ट्रिप। अबे यार मनीषा, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाह, खुद तो वही काम कर रही है और फिर दूसरों को गाली दे रही। अब भाई आप खुद ही सोचो, आप किसी देश में घूमने गए और वहाँ और देशों के भी टूरिस्ट आ रहे और आपको वहाँ कोई गाली देने लग जा तो आप उसका मुंह नहीं तोड़ दोगे? मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया अपने बिहार को और ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया अपने भारत को। हेलो बहन, अरे सुनना, मेरा बॉयफ्रेंड से ना बहुत गलत टाइम पे मेरा झगड़ा हो गया है। तेरा बॉयफ्रेंड भी था? आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है, तो आज तक ना पूरा जिंदगी में कभी मोबाइल वोबाइल नहीं खरीदे हैं, तो वही गिफ्ट किया है। लेकिन खर्चा वर्चा तो वही वही करता है ना। देख बहन मेरा, ये काम कर दे फिर तुमको भी हम एक ऐसा बॉयफ्रेंड बना देंगे जो तुमको सिर्फ फोन पे फोन गिफ्ट करेगा। भाई ये वो इन्फ्लुएंसर जो क्या इन्फ्लुएंस कर रही है, अब देख लो अपनी जनता को, जो इसके फॉलोवर है उन्हें भी इन्फ्लुएंस कर रही है कि अब बॉयफ्रेंड पटाओ और उनसे फोन मंगाओ। भाई मेरे एक बात नहीं समझ में आती, जो जनता थी अब से 3-4 महीने पहले जिस चीज को हेट कर रही थी ना बिग बॉस आने के बाद, उसी चीज को लोग बाग देख रहे और एक दूसरे पे शेयर भी कर रहे। मतलब अब से 5 साल पहले भी लोग बाग क्रिंज के पीछे वो हो गए थे कि ये क्रिंज है, इस चीज को देखना नहीं, फलाना ढिमकाना। अब इनकी आंख नहीं खुली, अब इसके पीछे लोग बाग दीवाने बिल्कुल बावड़े हुए जा रहे। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपका वीडियो कॉल एक बार में रिसीव नहीं कर रही है तो उस पर शक मत कीजिए कि वो इधर उधर लगल है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना चेहरा पे मेकअप पोत रही हो, क्योंकि हर एक लड़की मनीषा जैसी नहीं होती। मनीषा रानी बहुत अच्छी है, गांव से जुड़ी लड़की है, डाउन टू अर्थ बंदी है। अब सब लोग बोलते हैं वो बहुत अच्छी है, नू है नू है। वही फुकरा इंसान ने शो में कितनी बार कहा कि मनीषा रानी मेरी बहन है। देखो मनीषा तो मेरी बहन है। जब भाई हम किसी को बहन बोल जाए तो दिल से मानने भी, उसके साथ एक ट्रस्ट जुड़ जा। भाई लड़की के घर वाले भी आप पर ट्रस्ट करने लग जा। लेकिन मनीषा रानी डाउन टू अर्थ बंदी, गांव से जुड़ी हुई लड़की, फुकरा से प्रेम के तार जोड़ने लग रही। देखिए पहला लड़का है ये फुकरा इंसान, अभी बड़ा देखा। हाँ ये देखिए, हाइट है इसका 6 फीट 3 इंच, समझे बहुत लंबा है। मेरा मतलब दोनों का तो हाइट में इतना डिफरेंट है कि मत पूछिए, पर हैंडसम है बहुत, एकदम चिकना गोरा, नाक खड़ा, होंठ गुलाबी, समझे। जो लोगों ने रट लगा रखी है कि मनीषा ने बिहार का नाम रोशन कर दिया, अगर भाई कोई लड़ने वाला सो जिसमें सुबह शाम लड़ाई हो रही बस और कुछ नहीं, और वो भी वैसी लड़ाई नहीं हो रही, कुछ स्किल्स नहीं दिखाए जा रहे, ऐसी मुंह जोरी हो रही, अगर ऐसे शो को जीत के किसी प्रदेश का नाम रोशन होता हो ना तो भाई ऐसे लोगों की सोच पे थू है। जो ये अदर कंट्री में जाकर लोगों को गाली दे रही, यो बिहार का नाम रोशन करना नहीं होता, गाली देकर किसी स्टेट का और किसी कंट्री का नाम रोशन नहीं हुआ करता। अगर मनीषा रानी बिहार को प्राउड फील करा रही तो संजय मिश्रा क्या कर रहे, मनोज वाजपेयी क्या कर रहे, पंकज त्रिपाठी क्या कर रहे, और सुशांत सिंह राजपूत क्या करके गए थे।